कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक. हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉनिडिया. कॉनिडिया भी एक टाइप के स्पोर्स होते हैं, लेकिन इसको कॉनिडिया नाम इसलिए दिया है क्योंकि कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो स्पोर्स नहीं, बहुत सारे एक साथ एक चेन में स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उनको एक नाम दे दिया अलग से, कॉनिडिया. इनकी अलग खासियत है, स्पोर्स की अलग खासियत थी वो मोटाइल थे, ठीक है ना. ये मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल स्पोर्स. नॉन मोटाइल का मतलब ये मूव नहीं कर सकते, वो मूव कर सकते थे, ठीक है. एक्सोजिनसली, वो भी एक्सोजिनसली थे, ठीक है ना, और ये भी एक्सोजिनसली है. नेक्स्ट है हाइपर ब्रांच्ड. हाइपर ब्रांच मतलब देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा माइसीलियम होता है, थ्रेडलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कॉटन के थ्रेडलिक स्ट्रक्चर्स है ना, ऐसे थ्रेडलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. उस थ्रेडलिक स्ट्रक्चर में से जब वो एक बंच में होता है तो हम टर्म यूज करते हैं माइसीलियम. लेकिन अगर उसमें से कोई एक क्या करता है, स्ट्रेट ब्रांच की फॉर्मेशन करके कॉनिडिया या कॉनिडियोफोर या कॉनिडिया स्पोरिंजियम की फॉर्मेशन करता है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम हाइफी, ठीक है. माइसीलियम क्या है, जैसे आपको कॉटन है, कॉटन के बहुत सारे रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है. जब वो उस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब वहां पे कोई हाइफी या कॉनिडिया की फॉर्मेशन नहीं हुई, ठीक है, तब तक उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं माइसीलियम. लेकिन जैसे ही इस माइसीलियम में से एक स्ट्रेट क्या हाइफी की फॉर्मेशन होती है और वो अपने ऊपर कॉनिडिया की फॉर्मेशन करता है, ठीक है. तो देखिए, ये एक हाइफी बना, हाइफी ने क्या बनाया, कॉनिडियोस्पोर बनाए, ठीक है, कॉनिडियोफोर बनाया, और कॉनिडियोफोर के ऊपर ये चेन में कॉनिडिया की फॉर्मेशन का होना, ठीक है. तो हाइफी क्या है, हाइफी ये आपकी ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है, ठीक है, जिसे हम कॉनिडियोफोर भी बोलते हैं. किसको, हाइफी को. देखिए, ब्रांच भी है और अनब्रांच भी हो सकती है. सिंगल कॉनिडिया उसके लिए एग्जाम्पल क्या है, फाइटोफथोरा, ठीक है. अगर किसी सेल में सिंगल कॉनिडिया है, क्योंकि कॉनिडिया क्या है, नॉन मोटाइल है, तो आपके जूस्पोर से अलग हो गए ना, डिफरेंट हो गए, क्योंकि वो तो मोटाइल थे, इसलिए वहां पे हमने टर्म दी थी जूस्पोर, और ये नॉन मोटाइल है क्योंकि ये चल नहीं सकते, तो इनको हमने टर्म दिए कॉनिडिया, ठीक है. अगर सिंगल कॉनिडिया प्रेजेंट है तो किसमें प्रेजेंट होता है, वो फाइटोफथोरा में, और इन चेन में कॉनिडिया प्रेजेंट है तो पेनिसिलियम, जो कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है. पेनिसिलियम मे बी यूनिसेल्युलर. यूनिसेल्युलर मतलब पेनिसिलियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं, पेनिसिलियम जीनस का नाम है, ठीक है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है. तो हर स्पीशीज चेन में कॉनिडिया की फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए कहा गया है मे बी यूनिसेल्युलर, ठीक है. और मल्टीसेल्युलर जैसे अल्टरनेरिया, ठीक है. लेटर टाइप ऑफ कॉनिडिया आर कॉल्ड कॉनिडियोस्पोरिंजियम. जो बहुत पुराना कॉनिडिया हो जाता है, ठीक है ना, लेटर, लेटर मतलब बहुत ओल्ड, लेटर टाइप ऑफ कॉनिडिया आर कॉल्ड कॉनिडियोस्पोरिंजियम, ठीक है. ये हमारा वही माइसीलियम था, समझिए कुछ इस तरह से होता है माइसीलियम. ठीक है, यहां पर धीरे धीरे क्या स्पोरिंजियम और फिर स्पोर्स कॉनिडियो की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. तो पहले माइसीलियम, माइसीलियम के बाद ये क्या है हाइफी, हाइफी के बाद ये क्या है कॉनिडियो स्पोरिंजियम, और उसके ऊपर कॉनिडिया चेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड विच टाइप ऑफ स्पीशीज, ठीक है. फिर देखिए, ये एक एक कॉनिडिया अगर अलग हो जाए, ठीक है, तो ये सिंगल कॉनिडिया एक पेनिसिलियम की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अभी कॉनिडिया आपके जो स्पोर्स होते हैं, ये कॉनिडिया होते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में कभी भी जर्मिनेट नहीं होते. अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि उन्हें प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं है. मान लीजिए, आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते, या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है. उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर वाटर वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो वो आराम से इस फॉर्म में, या तो स्पोर के फॉर्म में या कॉनिडिया के फॉर्म में सर्वाइव करेंगे. और जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, ठीक है, वैसे ही ये कॉनिडिया किसमें, ये जो सिंगल कॉनिडिया है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेट होके बिल्कुल पेनिसिलियम की तरह फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे. इस तरह से कॉनिडिया क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बहुत सारे मल्टी सेलुलर
सेल में कन्वर्ट होकर अपनी प्रोसेस करते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो आपका आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कौन सा वाला टॉपिक? जिसमें हमने पढ़ना था बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, जूस पोर्स, कॉनिडिया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। थैंक यू क्लास।